हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आज के इस बहुत ही खूबसूरत से ब्लॉग वीडियो में। तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा सा ये ब्लॉग लेट जा रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है घर में, इसलिए तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मनमोहक सा दृश्य है आज के इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। जो स्किप करने के बाद आप बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट मिस कर देंगे। तो चलिए आज का ये खूबसूरत सा ब्लॉग आज स्टार्ट करते हैं। और कैसा है मुझे ये जरूर बताया कीजिए कमेंट करके। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये है बुधवार का, आप देख ही सकते हैं तारीख है 6 तारीख, जन्माष्टमी की पहले का। तो मैंने बाबू के लिए ड्रेस मंगाया था, वो मैंने निकाल के देख रही थी कि ठीक ठाक है या नहीं, मॉर्निंग में कैसे पहनेगा। तो बस बाबू ने ले लिया बांसुरी और बजाने लगा। उस टाइम रात के बज रहे थे 12 या 1, ऐसे ही कुछ बज रहे थे उस टाइम। तो एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है। तो बस यहाँ पे बाबू रात में बोला था मैं सोऊंगा नहीं, बॉल बॉल खेलो मेरे साथ। बस उसके साथ लगभग 1 घंटे तक मैंने ये बॉल ये बांसुरी के चक्कर में। तो चलिए नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाती हूँ खूबसूरत सा आज का ये दृश्य। ये देखिए दोस्तों, बाबू का ये कृष्ण जी का ड्रेस जो मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस आया है बहुत ही कम प्राइस में। तो बस यहाँ पे हो चुकी थी मैं रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पे देखिए मैं यशोदा के गेटअप में कैसी लग रही हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो बस यहाँ रेडी हो चुकी थी और मैं इधर पूजा की भी सारी सामग्री मैंने तैयार करके रख दी थी। और वहाँ पे देखिए, अब देख ही सकते कुछ मैंने फूल वगैरह कर लिए थे और यहाँ पे कर ली थी मैंने पूजा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको बैक कैमरे से, जो बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे कृष्ण कन्हैया को मैंने ये फल फूल से सजाया है। तो मेरे पास जो अवेलेबल था उस टाइम मैंने वही किया, क्योंकि सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इस मंथ में कितनी प्रॉब्लम से निकली हूँ कि मैं ही जानती हूँ। इसलिए ब्लॉग भी प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रॉब्लम। तो बस यही सब था। तो यहाँ पे देखिए मैंने सजा दिया था भगवान जी को मोर पंख के साथ कृष्ण कन्हैया को। तो कैसा लग रहा है जरूर बताया कीजिए, ताकि मुझे मैंने ब्लॉग कैसा बनाया है नहीं बनाई है मैं जान सकूँ। राधा रानी और कृष्ण कन्हैया जी बैठेंगे। तो बस यहाँ राधा रानी भी आ चुकी थी, बाबू उधर हो रहा था तैयार। तो चलिए दिखाती हूँ प्रॉपर आपको खूबसूरत सा दृश्य। राधे दोस्तों, मैं यशोदा आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ खूबसूरत सा दृश्य कृष्ण कन्हैया और क्यूट सी राधा रानी का, जो अपने धाम पे बहुत खूबसूरत सी लीलाएं कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ आज का ये बहुत ही प्यारा सा और मनमोहक सा दृश्य। तो देखिए मेरे कृष्ण कन्हैया को और मेरी राधिका रानी को, जो कितना प्यारा लग रहा, कितना बहुत ही प्यारी लग रही थी राधिका रानी और ये कृष्ण कन्हैया। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मुझे जरूर बताया कीजिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। सो कृष्ण जी यहाँ पे देखिए, बाबू भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था क्योंकि गर्मी थी। और यहाँ उसके साथ मैंने थोड़ा सा इधर डेकोरेशन कर दिया, उधर मैंने टेडी बियर और इधर थोड़ा हाथी रख दिया था जो बाबू का खिलौना था। उसके बाद थोड़ा सा मैंने फल फूल से सजाया हुआ था आगे, जो देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पे कलश तो मेरे पास था नहीं, तो जो था घर में उसके साथ मैंने मोर पंख लगा दिया। और थोड़ा सा मैंने एक इयर रिंग्स था वो मैंने रख दिया ताकि देखने में अच्छा लगे। और सभी ने कहा यशोदा माता के साथ भी थोड़ा सा फोटो एक हो जाए, तो मुझे क्या पता कि फोटो बन रहा है या वीडियो। तो बस मैं बैठी हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने पहली बार किया क्योंकि बाबू पिछले साल बहुत छोटा था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई थी। इस साल भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं इतना कर पाऊंगी।
तारीख को ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है। कल भी मैंने जूट से बाबू का ड्रेस मंगवा लिया, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए कि मैं इतना डेकोरेशन कभी भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि प्रॉब्लम ही इतनी चल रही थी घर में कि क्या बताऊं। तो बस फिर भी मैंने सोचा चलो बाबू ये तो साल में एक बार आता है, जैसे जो होगा मैं मैनेज करके लेकिन करूंगी। बार बार टेडी बियर को छू रहा था इसलिए टेडी बियर का जो कैप था ना गिर गया, तो इसलिए मैं उस आज की आरती शुरू करते हैं कृष्ण कन्हैया और राधिका जी के लिए। कोई सॉन्ग यूज नहीं कर रही हूँ, मैं खुद का ही वॉइस ऐड कर रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट के डर से मैं कोई भी सॉन्ग यूज नहीं कर रही थी। तो चलिए करते हैं आज की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गली में बैजंती माला, बजाबे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल छलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में टाढ़े बन माली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। एक बार सभी फिर से बोले राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कैसा लगा आपको ये आरती आज का मुझे जरूर बताइएगा कृष्ण कन्हैया का। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा इस आरती को गुनगुनाती रहती हूँ इसलिए मैंने गाया है। और कॉपीराइट के डर से मैं कोई भी सॉन्ग यूज नहीं करती अपने ब्लॉग में। तो ज़रूर बताया कीजिए कि कैसा लगा और कैसा। यहाँ पे हो गई थी आरती और मैंने थाल को पहले रखा था नीचे कि मैंने सोचा कहीं बाबू ना छू ले इसे, इसलिए फिर मैं चली गई इसको घर के अंदर रखने के लिए। और यहाँ पे क्यूट सी राधिका रानी और मेरे छोटे कृष्णा की नटखट लीलाएं आप लोग देखिए। और सच बताइएगा ये दृश्य देख के आप लोगों को कैसा लगा। सच में मैंने इस गेटअप में देखा बाबू को ना, मैं क्या बताऊं, मैं उसको ना देखते ही रह गए कि ऐसा लग रहा था कि सच में मेरे घर कृष्ण कन्हैया जी आ गई है। और राधिका रानी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सो बस यहाँ पे बाबू मेरा जी बोल रहे थे मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कोई राधे राधे नहीं बोलता है और कोई भी मेरा वीडियो फुल वॉच नहीं करता है। तो इसलिए मैंने उसको बोला नहीं कृष्णा, तुम्हारा वीडियो तो ही सब देखते, तुम्हारे लिए ही तो इस ब्लॉग में सभी आते हैं। तो बस सभी को एक प्यारा सा स्माइल दे दो और सभी को राधे राधे बोल दो। सो यहाँ पे देखिए मेरा बाबू कैसे सभी को हाय हाय, मैंने हाय बोला तो इसने भी हाय बोला देखिए। और सभी को ये फ्लाइंग किस कर रहा है सभी को। तो बस यहाँ पे चल रहा था और कृष्णा जी और राधिका रानी की क्यूट सी शरारती लीलाएं आप देखते रहिए इसके। ये बाबू को बोल रही थी कि अब तू बंसी बजाओ। और ये मोर पंख लेने के लिए था कि मुझे मोर पंख वो चाहिए। तो बस यहाँ पे बाबू का थोड़ा सा ये मुकुट खुल गया था तो वो राधिका रानी और उसकी उनकी जो बड़ी बहन थी वही पहना रही थी बाबू को। और मैं यहाँ पे ले रही थी एक वीडियो बना रही थी बाबू का कि देखिए कन्हैया जी कैसे अपने मुकुट को संभाल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे घर के पीछे बहुत ही अच्छा सा ये गाना बज रहा था राधिका रानी वाला। तो बस बाबू मेरा बहुत ज़्यादा कैसे हाथ उठा उठा के वो नाचने लगा और बहुत देर तक नाचा ऐसे करके, आप देख ही सकते हैं। मैंने छोटा छोटा क्लिप ले लिया है बाबू का। सो देखिए कैसा लग रहा है बाबू। सो उस टाइम ना मुझे सच में ना बिल्कुल मैं ना देखती रह गई इसको नाचते, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। मैंने कहीं भी कैमरा और इधर उधर कहीं नहीं, बस बाबू पे ही फोकस करते रही। जो इसका ये जो नाच रहा था ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस टाइम सॉन्ग शायद ये हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बस यही गाना बज रहा था। उस पे ही राधिका रानी और ये बाबू ने दोनों मिलके डांस किया था। सो सबसे मनमोहक और बहुत ही अद्भुत दृश्य था जब ये दोनों डांस कर रही थी। सभी
अपना काम छोड़ छोड़ के बाबू और राधिका रानी का डांस देखने लगे, जो बहुत ही प्यारा सा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था दोनों का ये नाचना, मुझे बहुत ही पसंद था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाबू के साथ अपना ये वीडियो बना लिया कि आओ बाबू कहीं ये सब खोल खाल ना दे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके साथ वीडियो बना लिया। और उसके बाद मैंने बाबू को छोड़ दिया थोड़ा सा कि तुम जाओ थोड़ा सा खेलो, और उसका थोड़ा सा मैंने एक चलने वाला वीडियो बना लिया। और इतना बोल ही सोच ही रही थी बस इतने में इसके पापा आ गए और ये दौड़ गया अपने पापा जी के पास। तो भाव इसके पापा कुछ नहीं पहने थे क्योंकि इनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए तो बस यहाँ बाबू चला गया पापा जी के पास और मैं यहाँ बनाने लगी वीडियो। तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पे अपना एक वीडियो बना रही हूँ। तो उनका रिएक्शन आप देखिए कि पीछे में वो खड़े हैं तो कैसे क्या देख रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी क्या हुआ, आप देखिए थोड़ा सा उनका रिएक्शन। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, बस उनको उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में मोबाइल है इसलिए वो घर के अंदर फिर चले गए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बाबू मैंने साथ में इसलिए बैठाया क्योंकि राधिका रानी भी अपने घर जा रही थी और बाबू भी रो रहा था, उसे भूख लग गई थी, ड्रेस भी खोलने वाली थी उसकी। तो मैंने चलो लास्ट एक दोनों के साथ में एक बना लेती हूँ वीडियो, जो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था, ये एक यादगार पल हो जाते हैं। और फिर अगले साल पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो तो कोई नहीं जानता है। तो बस बाबू नीचे उतर गया, उसके बाद यह देखिए बांसुरी का क्या हाल किया है उसने और मुकुट के साथ। उसके बाद ये थोड़ा सा ये नीचे उतर गया चलने के लिए और उसकी दादी उधर है बहुत ज़्यादा बीमार थी। मैं ब्लॉग एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसे प्रॉपर बात शेयर करूंगी क्या कैसे कब क्यों हुआ, ये मैं पूरे ब्लॉग में एक अलग से बना के आप लोगों के साथ शेयर पक्का करूंगी जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है। ये मैं बहुत ही टाइम निकाला कि ये वीडियो बहुत दिनों के बाद एडिट कर रही हूँ, सो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। सो बस यहाँ पे हो गए, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया उसके बाद चली गई थी घर का सारा काम करने, उसका मैं वीडियो नहीं ले पाई थी। चली जा रही थी खाना बनाने और इतना ही सोच ही रही थी कि बाबू और ये राधिका रानी फिर से जाके वही जगह बैठ गए और ये बोले थी बांसुरी बजा बांसुरी, बस ये बांसुरी बजा ही नहीं रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरा बाबू का एक साथ ले लो अच्छी तरह का एक वीडियो, तो उन्होंने देखिए क्या किया है, सिर्फ बाबू का ही आया है, मेरा नहीं आया है, देख लीजिए। ये नाइंसाफी हुई है मेरे साथ। अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये बाबू नीचे सिर करके कैसे जा रहा है, वो कुछ नहीं कहीं नहीं देख रहा है। और जाते जाते जब ये कैमरे के पास पहुंचा तो देखिए कैसे लपक के ये कैमरे को पकड़ता है, इसने अपने इयररिंग्स सब खोल लिए थे, बस कैसे ही मुकुट ये रखा हुआ था नहीं पता मुझे, बस हो गया था जी सभी। तो मैंने भी थोड़ा सा एक साथ में फिर से एक वीडियो बना लिया और बाबू को बोला एक मिट्ठू दे दो मुझे, सो वो दे ही नहीं रहा था, देखिए कैसे जीभ निकाल निकाल के सबको दिखा रहा है वो। क्या लगा आज का ये ब्लॉग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड मिस कन्हैया जी की वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि मेरी राधिका रानी और कन्हैया जी कैसे लगे आप और मेरा ये यशोदा का लुक कैसा लगा आपको। मैंने कैसे क्या मेकअप किया ये मैंने नहीं शूट कर पाई हूँ, फिर नेक्स्ट कभी देखूंगी बताऊंगी कैसे मैंने क्या किया है। सो आप लोग भर भर के प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। तो हो गई थी शाम और कर ली थी मैंने यहाँ पे आरती, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो चलिए फिर से बोलिए एक बार सभी मिलके राधे राधे कृष्णा कृष्णा। सो मिलते हैं आपसे, और यहाँ पे शाम हो गई थी तो मैंने कर ली थी आरती और यहाँ पे मैंने कच्चा दूध नहीं चढ़ाया था शाम के लिए, मैंने रखा था। उसके बाद आरती होने के बाद अब दिखा देती हूँ एक बार थोड़ा सा आपको ये लुक शाम की, जो ये सारे फूल मुरझा गए थे, बस यहाँ पे मैंने आरती कर ली थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।